गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पाठ 12 उड़ते खंभे पढ़ाऊंगी ना। इसमें जो है हरिशंकर परसाई द्वारा यह जो है दिखा दिया। एक दिन राजा ने खींच कर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती और उन्हें तिलक लगाया। ठीक शाम तक भी इंतजार करते रहे कि अब मुनाफाखोरों को खंभे से लटकाया जाएगा ना। तो शाम तक भी लोग इंतजार करते रहे कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, पर कोई टांगा नहीं गया। लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गए और कहा, महाराज आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभों से लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर स्वस्थ और सानंद अर्थात आनंद के साथ हैं, अर्थात प्रसन्न हैं। राजा ने कहा है तो उन्हें खंभे पर टांगा जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनाने का आदेश दिया है, उनके मिलते हैं सब मुनाफाखोरों को जो है खंभे से टांग दिया जाएगा। भीड़ में से एक आदमी बोल उठा, पर फंदे बनाने का ठेका तो एक मुनाफाखोर ने ही लिया है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ, उसे उसके ही फंदे से टांगा जाएगा। तभी दूसरा बोला, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका ही मैं ही ले लूंगा। तो राजा ने जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, फांसी देना अभी निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं हुआ है। लोगों ने पूछा, तो कितने दिन बाद भी लटकाए जाएंगे। तो राजा ने जवाब दिया कि आज से ठीक 16वें दिन मुनाफाखोरों को जो है बिजली के खंभे से टांग दिया जाएगा। रात में लोग 16वें दिन बिजली के खंभे से लटके दिखेंगे। लोग दिन गिनने लगे। 16वें दिन सब सुबह उठकर जो है 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि सारे खंभे उखड़े पड़े। वे हैरान हो गए कि रात में ना आंधी आई न भूकंप आया, तो आखिर खंभे जो है कैसे उखड़ गए सारे। तो उन्हें खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने शिकायत की, महाराज आप मुनाफाखोरों को आज जो बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में सारे खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़ लाए। यह कहता है कि जो है ये कहता है कि रात में सब जो खंभे हैं वह उखाड़ दिए गए या उखड़वाए गए हैं। तो राजा ने मजदूर से पूछा, क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोगों ने खंभे उखाड़े। तो उसने कहा, सरकार और सीर साहब ने हुक्म दिया था। तब और सीर साहब को बुलाया गया। उससे राजा ने कहा, क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने रात आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने की घोषणा की थी। उसने कहा, जी सरकार, फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए। ये बात राजा ने पूछी उससे। तो उसने जवाब दिया, सरकार इंजीनियर साहब ने कल शाम हुक्म दिया था कि रात सारे खंभे उखाड़ दिए जाए। हाँ क्या करें, वो कहते हैं अब इंजीनियर को बुलाया जाए। राजा ने आदेश दिया। उसने कहा कि उसे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाए। बिजली इंजीनियर से कैफियत की ना कैफियत तलब की गई। कैफियत अर्थात विवरण, समाचार या हाल ना। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सेक्रेटरी साहब ने मुझे हुक्म दिया था। विभागीय सेक्रेटरी से राजा ने पूछा, खंभे उखड़वाने का हुक्म तुमने दिया था। तो सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, जी सरकार मैंने दिया। तो राजा ने कहा, यह जानते हो कि आज मैंने
खंभों का उपयोग नफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला था ना। तो बोलते हैं कि जानते हो कि आज मैं इन खंभों का उपयोग नफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला हूँ, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? तो उसने कहा कि साहब पूरे सड़क जो पूरा शहर था उसकी सुरक्षा का सवाल था, अगर रात में खंभे ना हटाए जाते तो पूरा शहर नष्ट हो जाता। तो राजा ने पूछा यह तुमने कैसे जाना, अय्या यह बात किसने तुमको बताई कि आज जो है अगर खंभे नहीं हटाए जाएंगे तो पूरा शहर नष्ट हो जाएगा? तो सेक्रेटरी ने कहा मुझे विशेषता की ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। राजा ने पूछा कौन है वह विशेषज्ञ ना, कौन है यह विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है, सेक्रेटरी का बिल्कुल भरोसे का आदमी है, सरकार घर का आदमी है, मेरा साला है, मैं उसे बुजुर्ग के सामने पेश करता हूँ। तो विशेषज्ञ आया, विशेषज्ञ ने निवेदन किया सरकार मैं विशेषज्ञ हूँ, विशेषज्ञ अर्थात विद्वान या किसी विषय का ज्ञाता ना। तो कहते हैं कि सरकार मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया कि जमीन के नीचे एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वो बिजली हमारे शहर से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में कड़े रहते तो बिजली खंभों द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर अपने पावर हाउस की बिजली से हो जाती, तब भयंकर विस्फोट होता, एक साथ हजारों बिजलियां गिरती, तब न एक प्राणी जीवित रहता न एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा ली। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे ना, अचानक तो खड़े रहे उसकी बात को ध्यान से सुन रहे, वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए, वे सब उस संकट से अभिभूत थे अर्थात चकित थे पराजित जिसकी कल्पना उन्हें दी गई, जान बच जाने की अनुभूति से दबे हुए थे और चुपचाप लौट आए। उसी सप्ताह बैंक में कुछ रकम के कुछ नामों के खातों में रकम जमा हुई, जैसे सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख रुपए, बिजली इंजीनियर के नाम 1 लाख रुपए, विशेषज्ञ के नाम 25,000 रुपए और कुर्सियर के नाम 5,000 रुपए। फिर उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी गई रकम धर्मादा खाते में डाली गई, कोड़ियों की सहायता के लिए 2 लाख रुपए, विधवा आश्रम के लिए 1 लाख रुपए, क्षय रोग के लिए जो है क्षय रोग अस्पताल के लिए भी 1 लाख रुपए, पागल खाने के लिए 25,000 रुपए, अनाथालय के लिए 5,000 रुपए ना। तो हरिशंकर परसाई तो मैंने ये पढ़ा आप लोगों को उड़ते खंभे ना, तो हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार माने गए थे ना, इन्होंने मुनाफाखोरों को व्यंग किया। ये हिंदी के पहले रचनाकार माने जाते हैं जिन्होंने व्यंग को साहित्य की विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत पद्धति से उभारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी जो है रचनाएं हमारे अंदर गुदगुदी पैदा नहीं करती बल्कि तो सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा कर देती है, मतलब समाज की जो वास्तविकता है उसको जो है उजागर करती है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमानी में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA की उपाधि हासिल की। उनका मुख्य पेशा अध्यापन रहा है। उन्होंने 1957 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है भोला राम का जीव, जैसे उनके दिल फिरे, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और तिरछी रेखाएं, भूत के पांव पीछे आदि ना। तो मैंने अभी आप लोगों को उड़ते खंभे नाम पढ़ पढ़ाया, अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो आप लोग व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।